नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। प्रदेश में कोरोना लगातार बेकाबू होता जा रहा है। सरकार की हर कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग अस्पतालों के बाहर तड़प रहे हैं। शमशान और कब्रिस्तानों में जगह नहीं, हर तरफ मौत का तांडव है। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 5 जिलों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और वाराणसी में लॉकडाउन लगाया जाए। हालांकि यूपी सरकार ने अभी लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं आज रात 10 बजे से महाराष्ट्र की तर्ज पर दिल्ली में भी लॉकडाउन लग जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी को बड़ा अपराध बताया और आरोपियों पर रासुका और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी कर दिए। कोरोना के आंकड़े लगातार डरा रहे हैं। लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए रक्षा मंत्री आगे आ गए। डीआरडीओ की मदद से 5000 लीटर के जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर लखनऊ गए हैं। कोरोना के बढ़ते कहर पर बीजेपी विधायकों का दर्द भी अब छलकने लगा है। कुछ विधायकों ने सीएम को चिट्ठी लिखी है और गुहार लगाई है। वहीं बढ़ते कोरोना और लॉकडाउन की आहट से लोगों में डर का माहौल है। लोग एक बार फिर अपने घरों का रुख करने लगे हैं। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर अभी भी लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। सरकार की अपील का इन लोगों पर जरा सा भी असर नहीं हो रहा। जहां भी नजर जाती है हर तरफ बेबस इंसान दिख रहा है जो इस महामारी में खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि किस तरह की स्थिति फिलहाल कोरोना काल में बनी हुई है। हालात कैसे लगातार बेकाबू होते हुए नजर आ रही है। कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आज रात 10 बजे से अगले 6 दिनों के लिए दिल्ली को लॉकडाउन कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार कई जिलों में बेकाबू होती हुई नजर आ रही। राजधानी लखनऊ समेत प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश के उन प्रभावित जिलों में भी सरकार को लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता है? ये जानने के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता जय शुक्ला ने लोगों से बातचीत की और क्या कुछ लोगों ने कहा, आइए सबसे पहले सुनते हैं। कोरोना की रफ्तार को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें आज रात 10 बजे के बाद अगले 6 दिनों तक दिल्ली को लॉकडाउन कर दिया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी लगातार कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ में भी कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। लखनऊ सहित करीब 4 जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 35 घंटों में लॉकडाउन लगाया था 35 घंटों के लिए। हालांकि उसका असर भी देखने को मिला, लोग घरों से नहीं निकले, लेकिन आज सोमवार है और आज से फिर से जो लॉकडाउन है वो खत्म हो गया है। आज से फिर से जिंदगी सामान्य हो गई है। हालांकि आपको बता दें इस वक्त हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। पंचायत चुनाव को देखते हुए यहाँ पर हमारे पीछे देख सकते हैं सारी मार्केट आज भी बंद है, दुकानों पर ताले लगे हुए हैं। आपको साफ तौर पर हम दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं दुकानों पर यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। कुछ लोग हमारे पीछे बैठे भी हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या उत्तर प्रदेश को लॉकडाउन की ज़रूरत है। अगर खास करके उन जिलों की बात करें जिसमें ज़्यादा कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे जिलों में क्या लॉकडाउन होना चाहिए? क्या नाम है आपका भैया? राम प्रसाद साहू। साहू जी, ये बताइए कि जिस तरह से लगातार जो कोरोना के आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो वो जिले जो प्रभावित ज़्यादा हैं उनमें लॉकडाउन की आवश्यकता लग रही है? बहुत ज़रूरी है इस समय लॉकडाउन। आज पंचायत चुनाव था जी, तमाम भीड़ भी इकट्ठा हुई, उसके बाद क्या लग रहा है आपको? इसके बाद लगना चाहिए। आप क्या करते हैं? हमारा टेंट का व्यवसाय है। व्यापारी हैं आप, तो क्या लगता है व्यापार भी सारा बंद हो जाएगा? व्यापार अपनी जगह है, पहले जान अपनी जगह है। जान है तो जहान है। बिल्कुल बिल्कुल, जान है तो जहान है। लोगों का यही मानना है कि जान सबसे कीमती है, व्यापार तो चलता रहेगा। आप बताइए क्या कहेंगे आप? बस लॉकडाउन लगना चाहिए। लॉकडाउन लगना चाहिए, बिल्कुल। ये लखनऊ की आवाम है, ये लखनऊ की वो जनता है जो साफ तौर पर अब कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार से ये गुजारिश कर रही कि यहाँ भी लॉकडाउन लगाया जाए ताकि जो कोरोना की रफ्तार है उसको कम किया जा सके। कुछ लोग और हैं, क्या नाम है आपका? सज्जन तिवारी। सज्जन जी, ये बताइए कि जिस तरह से लगातार अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ सहित कई जनपद ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना लगातार बेकाबू हो रहा है, ऐसे में क्या दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन की जरूरत है? नहीं, सैटरडे संडे लगना चाहिए, बाकी नहीं लगना चाहिए। वो सबके हित में है सैटरडे संडे लॉकडाउन रहे,
ताकि चलता रहे। और भी कुछ लोग, आप बताइए आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि लॉकडाउन लगना चाहिए और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन इसका अच्छा प्रमाण है। ब्रिटेन में भी लॉकडाउन लगाया गया और स्ट्रिक्ट लगाया गया। जिन एरिया में लॉकडाउन लगाया गया है वहाँ पे आप घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, भोजन की व्यवस्था आपके घर में करी जा रही है, जिसके वहाँ पर जो सेकेंड लहर आई है वो काफ़ी कम हो गई है। तो वैसा यहाँ भी होना चाहिए, तभी ये लहर कम होगी, क्योंकि यहाँ की जनता इतना जागरूक भी नहीं है। तो अगर उससे हमको बचना है, इस कोरोना जैसी महामारी से बचना है, तो लॉकडाउन मस्त है। बिल्कुल, ये लखनऊ की आवाम है, उत्तर प्रदेश का जो राजधानी कही जाती है वो उसकी आवाम है। लगातार अगर देखा जाए तो राजधानी में भी जो कोरोना के आंकड़े हैं, या यूं कहें कोरोना की जो रफ्तार है, वो कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में जो राजधानी की आवाम है वो यही मानती है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को भी दिल्ली जैसे लॉकडाउन की आवश्यकता है, और खासकर उन जिलों में जहाँ पर कोरोना के आंकड़े ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उन जिलों में कड़ाई से लॉकडाउन भी लगे और कड़ाई से उसका पालन भी किया जाए। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। तो आपने लोगों को सुन लिया इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट, देख ली। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए। सीधा आपका मैं परिचय करा दूं, मेरे साथ बीजेपी से विधायक हैं राजकरण कबीर जी, आपका स्वागत है सर हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही समाजवादी पार्टी से पूर्व राज्य मंत्री हैं सुधाकर सिंह कश्यप जी, आपका भी स्वागत है सर चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही MD चेस्ट फिजिशियन है मेरे साथ डॉक्टर दया सागर गुप्ता जी, आपका भी स्वागत है हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं रुख करूं बीजेपी विधायक राजकरण कबीर जी, उत्तर प्रदेश में स्थिति ज़्यादा बिगड़ रही है, खासकर राजधानी लखनऊ की हम बात करें, और हाईकोर्ट की ओर से भी ये कहा गया कि इन 5 शहरों में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं इनमें लॉकडाउन लगाया जाए, सरकार इसको देखे। लेकिन सरकार फिलहाल लॉकडाउन के मूड में नहीं है, क्या कुछ प्लान है, क्या रणनीति है, किस तरह आगे कोरोना पर काबू सरकार पा रही है, इस पर मैं चाहूंगा आप जवाब दें विधायक जी। देखो, हमारी सरकार दिल्ली से एक में कदर है, कोरोना बढ़ा और ये खड़ा भी बहुत खड़ा है कोरोना का प्रेरमान वास्तव में इसको उम्मीद नहीं थी कैसा लोगों से लाइव ये हम लोगों की तरह ही समाज की तरह कि कोरोना को बिल्कुल ऐसा मान लिया गया कि इतना हमारा जो केंद्र सरकार की पॉलिसी है और स्टेट गवर्नमेंट की पूरी तरीके से कोरोना को कंट्रोल में लाने के लिए जिस तेजी से हम लोगों ने वैक्सीनेशन का काम शुरू किया और वास्तव में जागरूकता के तहत लोगों ने वैक्सीनेशन कराया और चल भी रहा है, लेकिन कुछ लापरवाहियां लोगों से हुई कि बिना मास्क के चलना, भीड़ भाड़ में जाना, ये कई चीजें ऐसी हुई जिससे थोड़ा इसका जो तेजी से प्रभाव बढ़ा जी। लेकिन सरकार ने अब पूरी तरीके से ठान लिया है कि हम कोरोना को रोकेंगे और पूरी तरीके से अगर लाभ कोरोना को रोकेंगे और पूरी तरीके से अगर लाभ पूरी तरीके से नहीं होगा, लेकिन जो एहतियात की कदम है मास्क लगाना, भीड़ भाड़ से दूर रहना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। राजकरण कबीर जी, ये गाइडलाइन पिछले एक साल से हम लोगों को बता रहे हैं, लोग इसका पालन करते भी हैं और साथ ही कई बार इस तरह की तस्वीरें भी सामने आती हैं जहां पर लोग इनका खुलकर उल्लंघन भी करते हैं और इन गाइडलाइन की धज्जियां भी उड़ाते हैं। अब सवाल ये है कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी एक तरफ चल रहा है, एक बार फिर से दूसरी वेव के तहत किस तरीके से स्थितियाँ और नाजुक बन रही हैं, ये आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। लेकिन सवाल ये है कि स्थिति को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, क्योंकि जितने मरीज बढ़ते जा रहे हैं उतनी व्यवस्थाएं चरमराती जा रही हैं, वैसे ही अव्यवस्था अस्पतालों में फैल रही है, अलग अलग शहरों में फैल रही है, ये तस्वीरें हम सब देख रहे हैं। तो क्या कुछ ठोस प्लानिंग है, क्या ठोस रणनीति है? आप काम कर रहे हैं, आप व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन वो कंट्रोल से बाहर हो रही हैं आप परिस्थितियाँ। तो कहीं ना कहीं उसने तो गवर्नमेंट ने तो एक उठाया तो आपको उसका असर हो रहा है
हम देखते हैं संडे का वो सैटरडे संडे लॉकडाउन हुआ, संडे का वास्तव में उसका असर हुआ। और अपने मुझे उनकी खर्च जो कम हुई कहीं कहीं अभी लोगों में जागरूकता न होने के कारण हो रही है। पूरी तरीके से अस्पतालों में भी सुविधाजनक ढंग से ऑक्सीजन की व्यवस्था ठीक है सुधाकर, ठीक है राजकरण जी, अब सुधाकर जी का मैं रुख करूंगा जो पूर्व राज्यमंत्री हैं समाजवादी पार्टी से। सुधाकर सिंह जी, मैं चाहूंगा कि आज इस मुद्दे पर राजनीति ना हो, क्योंकि ये स्थिति बेहद भयावह है, नाजुक स्थिति का दौर है और पिछले साल जो स्थिति थी उससे ज्यादा कठिन परिस्थितियां इस दौर में लोग देख रहे हैं। तो आपके पास कोई सुझाव है, विपक्ष होने के नाते आप लार्जेस्ट अपोजिशन हैं और इसके साथ ही क्या आप सुझाव सरकार को देंगे कि आखिर क्या कुछ ऐसा किया जाए, क्या जनता की भलाई के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए किया जाए कि व्यवस्थाएं जो कम पड़ रही हैं वो कम ना पड़े। देखिए पराग जी, जहां सुझाव मांगने का काम है, जहां सुझाव देने की बात आती है, तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को अब से पहले एक वर्ष पहले सुझाव लेना था। आज ये तब सुझाव मांगने की और सलाह लेने की बात चल रही है जब सारी चीजें इनके हाथ से निकल गई। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और राजनीति की बात आज नहीं कर रहा हूँ, वास्तविकता मैं साथ में ये कहना चाहूंगा विधायक जी से, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि है मौके के और सरकार के अंदर, तो ये आज वास्तविकता और सच्चाई कहे, ये भी आज जो है राजनीति ना करें। तो मैं भी आज वास्तविकता पारदर्शिता के साथ बात रखूंगा, क्योंकि मैं एक देश में स्वतंत्रता सेनानी का बेटा होने के नाते मेरी प्राथमिकता है पहले देश और देशवासियों के लिए, पार्टी और राजनीति वो हटके। आज इसलिए आज पार्टी की टोपी लगाकर नहीं बैठा हूँ, आज एक किसान का गरीब का बेटा बनकर बैठा हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से कहना और जानना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक वर्ष होने को आया उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या सुख सुविधाएं करी। आज आप लगाइए कि इन्होंने गोंडा में एक अस्पताल बनाया, उस अस्पताल के अंदर मशीनें तो हैं लेकिन उनको इस्तेमाल करने वाला कोई मौके पर अधिकारी कोई कर्मचारी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहां का खुद चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग कह रहा है। दूसरा मेरा कहना है कि इन लोगों ने आज बताइए, बंगाल में चुनाव है, बंगाल के चुनाव को ये लोग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगा रहे हैं। आप लगाइए, लॉकडाउन लगना चाहिए मानता हूँ, लेकिन जो जनमानस की जन सुविधाओं के लिए जो चीजें हैं उन चीजों का भी तो कोई विकल्प होना चाहिए, क्योंकि आज व्यापारी लॉकडाउन की हवा लेते हुए कि लॉकडाउन लगने वाला है, इस बात की हवा लेते हुए व्यापारी अपने अपनी दुकानों में स्टॉक कर रहा है। इस इंतजार में ताकि मैं इस व्यापार के साथ ब्लैकमेलिंग करूंगा पूर्व की भांति। तो बताइए कि जो प्रवासी है, जो गरीब है, जो रोजमर्रा कमाने वाले लोग हैं, उनका क्या हाल होगा। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आज वैक्सीन की बात आती है, ये लोग वैक्सीन पाकिस्तान को देने की बात करते हैं। भाई अपने घर में तो पहले पूर्ति कर लीजिए श्रीवास जी। आप बताइए कि WHO ने उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ 6 माह पहले करी थी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आज वो 6 माह पहले की तारीफ का आज कहाँ है वो, जो आज देश और प्रदेश की जनता त्रस्त है कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रही है। मैं हाथ जोड़ के भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ के देश की जनता और नौजवानों के साथ, गरीबों के साथ खिलवाड़ मत करो, ये बद्दुआ बहुत बुरी पड़ेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ पराग जी कि मुझे ये बताएं कि इनके 1 साल के कोविड के पीरियड में क्या संसाधन हुए इनके। ठीक है, ये सवाल लेकर राजकरण जी के पास मैं जाऊंगा। सुधाकर जी आप एक सेकंड पराग जी, एक सेकंड। जबकि इन्होंने भारत से अलावा अन्य देशों से भी COVID-19 के नाम पे एड आई, रतन टाटा जैसों ने भी दान दिया पैसा, कि आज उस पैसे का क्या उपयोग हुआ जो आज धरातल पे कोई चीज नजर नहीं आ रही है। जी ठीक है, आप ठीक है, ये सवाल लेकर मैं जाऊंगा बीजेपी विधायक के पास। मेरे साथ डॉक्टर दया सागर गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दया सागर जी, मौजूदा जो स्थिति बनी हुई है कोविड की उत्तर प्रदेश में, जो स्थिति है, जो हालात हैं, और खासकर वो 5 शहर जिनमें लॉकडाउन लगाने के लिए हाईकोर्ट ने भी कहा, खासकर राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें, इस स्थिति को एक डॉक्टर होने के नाते आप किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है, और जो व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं उन पर मैं चाहूँगा आप प्रदेश के लोगों को कोई संदेश दें कि अगर व्यवस्थाएं भरपूर नहीं हैं तो फिर खुद हम कैसे जागरूक रहें, खुद की सुरक्षा हम कैसे करें। नमस्कार, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस स्थिति के लिए हम सभी जिम्मेदार, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो या हम लोग हो या डॉक्टर हो और सबसे इम्पोर्टेंट जो सरकार कर रही है, हमारे देश के विभाग कर रहा है, वैक्सीनेशन तो कर ही रहा है,
उससे हम सफलता जरूर पूरी तरह से करेंगे होगी। अभी तो 45 ईयर्स के ऊपर जो किया गया है, और हमारा सुझाव तो ये है कि जल्दी से जल्दी लोग अपना वैक्सीनेशन कराने के बाद और कम उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन लगाएंगे तो हम बेहतर रूप से कर सकेंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट है सोशल जो इम्यूनाइजेशन है, सोशल मतलब लोगों को खुद ही समझना होगा कि अगर जैसे वाले उनको खांसी आती है तो डॉक्टर सुनिए, डॉक्टर सुनिए, आज सरकार का पक्ष मत रखिए, आज पारदर्शिता रखिए, राजनीति नहीं, हम आपसे ज्यादा राजनीति जानते हैं। सुधाकर जी एक बार बात पूरी हो जाए डॉक्टर साहब की, उसके बाद में आपके पास आ रहा हूँ। सुधाकर जी प्लीज सर, एक एक करके प्लीज। सुधाकर जी, सुधाकर जी, सुधाकर जी पहली बार में प्लीज इंटरप्ट आप ना करें, एक बार सुन लें उसके बाद में आपके पास आऊंगा। डॉक्टर साहब ये इस राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है विधायक जी, हमारा केवल जो कैसी कंडीशन गड़बड़ हुई उसकी आप लोगों के समक्ष अपना पक्ष रख रहा हूँ। इसमें वैक्सीनेशन तो हो ही रहा है जी, वैक्सीनेशन और ज्यादा लोगों को होना चाहिए, जो 45 साल पर रखा है, 45 साल से कम लोगों को भी 18 साल तक लोगों को रखना चाहिए जब वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। पहले तो ये जो रखा गया है कि ज्यादा ठीक है ब्रिटेन में तो और सभी उम्र के लोगों को लगाया गया, लेकिन हमारे देश में हमारे बुजुर्ग है या जो बीमारी से ग्रस्त है उनको वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। पहले वो तो पूरा हो जाए तब उसके बाद में दूसरे लोगों को लगना चाहिए। एक तो वैक्सीनेशन उपाय है, लेकिन दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल वैक्सीनेशन का मतलब ये है कि अगर हमारे किसी व्यक्ति को खांसी आती है तो वो खुद समझ ले कि हमें दूसरों को नहीं लगने देना है, कम से कम 3 फीट की दूरी पर हमें अपने आप के लोगों को बचाना है, चाहे वो हमारा तो पब्लिक ही है, वो चाहे किसी पार्टी को, राजनीति तो बात की चीज है किसी पर, लेकिन है तो हम सभी मानव, हमें अपने लोगों की रक्षा करना कैसे करेंगे, हम अपने आप ही तो करेंगे, हमें अपने बच्चों को बचाना है, अपने लोगों को बचाना है, अपने साथियों को बचाना है, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कोविड एरिया अगर हमें खांसी आती है तो खांसी चुनाव करा रही है बंगाल में, डॉक्टर साहब जी बंगाल में चुनाव करा रही है। सुधाकर जी सर देखिए, हाँ जो आप बात को समझिए प्लीज, एक एक करके डॉक्टर साहब को अपनी बात रखने दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। डॉक्टर दया मतलब ये है कि जो चाहे चुनाव हो चाहे हमारे त्योहार हो, जो गैदरिंग है जैसे झांसी है, झांसी एक प्रकार से चाहे दिल्ली से है, बॉम्बे से, गुजरात से, साउथ इंडिया से भी बहुत से लोग, मध्य प्रदेश से जहाँ बहुत ज्यादा केसेस है हमारे एंटर करते हैं, और जब स्टेशन पर रहते हैं तो बहुत पास पास रहते हैं, तो ये हमारी पब्लिक को ही सोचना पड़ेगा सर, हमारी पब्लिक को, चाहे वो किसी वो सोचना पड़ेगा कि हमें एक दूसरे को बचाना है, अगर हम एक दूसरे को बचाएंगे तभी तो हम इस पे ठीक है। लेकिन एक सवाल मेरा डॉक्टर दया सागर आपसे ये है, जो आम लोगों के मन में है कि अगर वैक्सीनेशन हो रहा है तो फिर क्यों एक बार फिर से लोगों को कोरोना हो रहा है, अगर किसी व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है उसके बावजूद भी वो कोरोना पॉजिटिव है, तो इस सवाल का क्या जवाब है आपके पास? जनता के मन में, आम लोगों के मन में ये सवाल बार बार सामने आ रहा है। देखिए सर ऐसा है, हमारे यहाँ पे भी करीब 500 डॉक्टरों को हो गया दोनों वैक्सीन लगने के बावजूद जी, उसका कारण ये है कि वैक्सीनेशन सीवियर को बचाता है ना कि एक दूसरे को फैला देते, तो दोनों वैक्सीन लगने के बाद कम से कम 15 दिन बाद एंटीबॉडी शरीर में बनना शुरू होती है, तो निश्चित रूप से इसमें इन्फेक्टिविटी कम होती है, लेकिन इन्फेक्टिविटी जीरो नहीं होती है। जैसे कई वैक्सीन है चाहे स्पूतनिक हो चाहे हमारे कोवैक्सीन हो कोविशील्ड हो, 80% करीब है, 80% के तो है ही है, लेकिन 20% लोगों को तो इन्फेक्टिविटी हुई सकती है, और ये तो हमारी साइंस ही कर रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो सीवियरिटी नहीं होगी, लोग मरेंगे नहीं। जिनको दोनों वैक्सीन लगी है उनमें रेयरली है कि कोई मोर्टेलिटी आई हो, इसलिए दोनों वैक्सीन लगने के बाद में उसकी डेथ रेट काफी कम है, ये इस बात को हमें सभी लोगों को समझना चाहिए, और वैक्सीनेशन के लिए बढ़ावा देने के लिए हमें सभी लोगों को पक्ष दोनों लोगों को। डॉक्टर दया एक सवाल और ये है मेरा, क्योंकि ये सवाल भी लगातार कई लोग आपस में डिस्कस भी करते हैं इस सवाल को लेकर, कि RT-PCR जो हम जांच कर रहे हैं उनमें अब वाला जो कोरोना है जो दूसरी वेव है उसको भी नहीं पकड़ पा रहा RT-PCR टेस्ट, इसका क्या कुछ कारण है, इसकी क्या कुछ वजह है, और क्या अब और ज्यादा प्रभावी बनकर कोरोना दूसरे रूप में आया है? जी हाँ, इस बार जो वैक्सीन जो बैरियर जो इम्यूनेंट आया है इस वायरस का, वो डबल उसमें म्यूटेशन हुआ है जी, जिसकी वजह से कई ऐसी है जिसमें RT-PCR नेगेटिव होने के बावजूद भी उनको CT थोरेक्स से हम डिटेक्ट कर पाए हैं कि उनको कोरोना है,
तो ऐसी भी कंडीशन आई है, उसका केवल कारण ये है कि जो वायरस है वो म्यूटेशन उसमें ज्यादा हुआ, बहुत रेयरली होता है, इसमें डबल म्यूटेशन हुआ जी। इसका अपने इंडिया में भी केसेस डिटेक्ट हुए मुख्य रूप से पंजाब में। तो ये बात सही है कि आरटीपीसीआर नेगेटिव होने के बावजूद भी अगर उसमें सिम्टम्स है तो हमारे डॉक्टर्स स्पेशली हम केस फिजिशियन है इस बात को सलाह देते हैं कि सीटी थोरेक्स भी कराएं, जिससे कि हम उसको पहचान सकें कि कोरोना है या नहीं है। इसके साथ और भी कुछ जांचें होती हैं, स्पेशल जाँचें जैसे IL-6 है, CRP है, D-dimer है, कई ऐसे टेस्ट हैं जिससे हम मरीज का पता लगा लेते हैं कि उसको कोरोना ही है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर दया, बने रहिए मेरे साथ। हमारे साथ फोन लाइन पर डॉक्टर मनोज मिश्रा भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी आपका स्वागत है सर, आप MBBS MD हैं। सवाल मेरा ये है क्योंकि डॉक्टर दया से भी वैक्सीनेशन और टेस्ट को लेकर मैं डिस्कस कर रहा था। सवाल डॉक्टर मनोज मेरा आपसे ये है कि पहले जब वेव आई थी कोरोना की, तब हम देख रहे थे कई लोगों में कोरोना के सिम्टम नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो टेस्ट था वो पॉजिटिव आ रहा था RT-PCR। मगर अब ये जो दूसरी वेव है इसमें कोरोना के सिम्टम हैं उसके बावजूद भी RT-PCR उनका नेगेटिव आ रहा है, तो ये असमंजस की स्थिति लोगों के अंदर बनी हुई है और लोग डर भी रहे हैं कि सिम्टम भी हैं, उनकी तबीयत भी बिगड़ी हुई है लेकिन उनका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, आखिर वो किस कैटेगरी में जाएं? क्योंकि अस्पतालों में व्यवस्थाएं कैसी हैं हम देख रहे हैं, ना तो वो कोविड है ना वो नॉन कोविड है, कैसे वो अपना इलाज करें, क्या कुछ सावधानी बरतें, इसको लेकर मैं चाहूँगा डॉक्टर मनोज आप अपनी बात रखें। देखिए अभी डॉक्टर साहब जो बोल रहे थे मैं सुन पा रहा था आपको जी। डेफिनेटली जो वायरसेस हैं वैसे तो मोर देन 700 उसके म्यूटेंट्स हैं, बट ये स्ट्रेंथ जो डबल म्यूटेंट है अभी इस पे अगर इसका और जीनोमिक आइडेंटिफिकेशन किया जाए तो आइडिया लगेगा, लेकिन ये काफी स्ट्रांग है और इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, कंटीजियस है और बहुत ज्यादा एक दूसरे में फैल रहा है जी। तो डेफिनेटली ये तो है कि जो एक फर्स्ट वेव आई थी और धीरे धीरे खत्म होकर 10,000 के आसपास केस हमारे आ गए थे ऑल ओवर द इंडिया, तो लोगों को ये लगने लगा था कि शायद अब हम इस चीज से निजात पा जाएंगे और हमारे पास वैक्सीनेशन भी आ गया था। तो वैक्सीनेशन के कारण था कि मोस्टली जो मोर देन 45 एज ग्रुप है जो हमारे जो डिसाइड किया गया था कि भी मोस्टली जो इफेक्ट हो रहे हैं वो ओल्ड एज ग्रुप के लोग हो रहे हैं, तो 45 के ऊपर और जिनको कोई डिजीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इस तरीके के लोगों को जो हमारी पॉलिसी बनी थी वो उसके हिसाब से काम कर रही थी, बट यहाँ पे उसका उल्टा असर आ गया। 10 से 15 दिनों में इस तरीके से एक बूम आया केसेस का और चारों तरफ इस समय केसेस ही केसेस हैं। अब चीजें ये है कि डेफिनेटली जो हमारी प्रिवेंशन की चीजें हैं वो आप मास्क लगा के और बाकी सारी चीजें इस पर मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर जाता कि ये सब लोग जानते हैं। देखिए मुझे लगता है कि अमूल बदता ये है बात करने का कि अब तो ये आ गया है और हर तीसरे चौथे पांचवा आदमी इसमें इन्फेक्ट है, किस तरीके से मैनेज किया जाए और किस तरह से पॉलिसी इस समय बनाई जाए कि ये चीज मैनेजमेंट हो सके। जहां तक मैं देख रहा हूं कि हॉस्पिटल का सवाल है कि पूरी तरीके से फुल है, कहीं भी किसी को बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बाईपैप और वेंटिलेटर की बात तो आप भूल जाइए। तो आज की डेट में अब ये बातें ही खत्म हो गई, अब तो बात ये करनी है कि साहब किस तरीके से लोगों की आप जान बचाओ। तो यहाँ पे जो हमारी पॉलिसी पैरालिसिस की कंडीशन हो रही है इस समय, मुझे ऐसा लगता है कि जितने मोस्टली जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं या बड़े जो KGMC वगैरह तो कुछ इन्होंने लिए हैं, उन सभी को स्ट्रेटली कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया जाए और बहुत सारे छोटे हॉस्पिटल जो कोविड हॉस्पिटल के लिए काम करना चाहते हैं उनको तत्काल परमिशन दिए जाए, ऑक्सीजन की फैसिलिटी बढ़ाई जाए और जितना हो सकता है सरकार से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया जाए, अदरवाइज जो स्थिति है वो बहुत ही भयानक हो रही है इस समय। ठीक है डॉक्टर मनोज आप मेरे साथ बने रहिए। राजकरण कबीर जी देखिए अब सवाल ये उठ रहा है सर कि लास्ट ईयर तो पहली बार था इसलिए अंदाजा इस बात का नहीं था कि ये महामारी कहां तक जाएगी और सभी लोग इससे अनजान थे, मगर अब ये दूसरा साल आ गया, कहां पर कमी रह गई, कहां व्यवस्थाएं और करनी अब पड़ेंगी या फिर करनी चाहिए थी जो अब स्थितियां और ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आ रही हैं, क्या कुछ कमियाँ हैं, कैसे उनको दूर किया जा रहा है, क्या व्यवस्थाएँ की जा रही हैं, क्या कुछ आप लोग आगे के लिए कर रहे हैं, इस पर मैं चाहूँगा आप जवाब दें। विधायक जी पारदर्शिता के साथ कहिएगा, आज राजनीति ना करिएगा। राजनीति से पहले जो हमारे समाज के लोग हैं, उसका उत्तर दीजिए, उसका भाषण मत करिए। अब आप
ये राजनीति की बात, मैं भाषण और राजनीति की बात नहीं करता, मेरी बात सुनिए, मैंने आपके बीच में कोई बात नहीं की, ठीक है माधव जी। हमने राजनीति की बात आप भी छोड़िए, अगर आप चाहते हैं कि कोई और इस मुद्दे पर राजनीति ना करे तो आप इस तैयारियों को लेकर मैं चाहूंगा आप जवाब दें। राजकरण जी मैं चाहूंगा तैयारियों को लेकर आप जवाब दें, व्यवस्थाओं को लेकर आप जवाब दें। नहीं नहीं कश्यप जी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, आपकी बात उनके पास जाऊंगा। कश्यप जी प्लीज आप वेट करिए सर, राजकरण जी अपनी बात पूरी करिए। कर रहे हैं सर वेट, आप अपनी बात करें। पहले मैं आराम से बैठा हूँ, तो ध्यान से सुनिए भाई, मेरी बात तो ध्यान से सुनो, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। कबीर साहब बात रखिए सर, बोल चुके हैं, कश्यप जी आपकी बात सुन रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, बोलिए। बीच में आवाज हो रही है तो थोड़ा सा बंद कराइए। मैं कह रहा हूँ कि ये जो काम पहले भी सामने की व्यवस्था को आपने देखा, जो प्रवासी मजदूर आए उन्होंने एक बार कहीं भी कस्टमर काटा में दिया, बहाने में दिया, उसका क्या हुआ? तो आपने भी देखा हो जो प्रवासी मजदूर आए उनकी हम लोग कैसी व्यवस्था, हमारे वॉलंटियर हमारे देखिए डॉक्टर साहब बोल रहे थे आप उनको नहीं बोलने दे रहे थे, राजकरण बोल रहे आप उनको नहीं बोल रहे थे, ठीक है राजकरण जी एक बार सुधाकर जी को सुन लीजिए। अब सुधाकर जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, बोलिए सर सुधाकर जी बोलिए, ठीक है राजकरण जी सुधाकर जी को एक बार सुन लेते हैं। हाँ बोलिए सर। राजी हमारा आपसे अनुरोध है, हमारा आपसे भी और भारतीय जनता पार्टी से भी अनुरोध है कि देश के जनमानस को बचाने की व्यवस्था एक साल के कार्यकाल में क्या हुई, जो आज देश का जनमानस जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, उसके खान पान की और यहाँ तक कि एक वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं, एक बेड की व्यवस्था नहीं। हम और देश इंडिया चैनल के माध्यम से जानना चाह रहा है आज कि जितना फंड इनके पास कोविड के नाम पे आया उसका व्यय कहाँ हुआ और कहाँ दिखाई दे रहा। अगर व्यय होता तो आज देश की जनता परेशान नहीं होती, जिंदगी मौत से लोग नहीं जूझते, बेडों की व्यवस्था होती। अभी हमारे साथी डॉक्टर साहब बता रहे हैं और मिश्रा जी डॉक्टर MBBS आए वो भी बता रहे हैं कि ऑक्सीजन तक की व्यवस्था नहीं है। तो भाई हाथ जुड़वा लीजिए प्राण, मैं पूजा पाटी व्यक्ति हूँ और व्रत हूँ, मैं हृदय से कह रहा हूँ, कोई राजनीति नहीं कर, मैं हृदय से कह रहा हूँ। आप बताइए कि आपका जमीन नहीं पूछ रहा है इस बात को कि कहाँ है व्यवस्था? मैंने तो सर पूछ लिया सवाल, मैंने तो उसका जवाब पूछा, उसका जवाब नहीं दे रहे विधायक जी। बार बार मुझे कह रहे हैं कि शांत हो जाए, भाई मैं शांत बैठा हूँ हाथ जोड़। विधायक जी बताओ कहाँ है व्यवस्था? ठीक है राजकरण जी, ठीक है कश्यप जी आपकी बात पूरी हो गई है तो मैं अपना सवाल ले लूंगा। राजकरण जी देखिए सवाल ये है कि स्थितियां बिगड़ तो रही हैं, इसके साथ ही लोगों में भी डर का माहौल बना हुआ है लॉकडाउन को लेकर। एक तस्वीर सामने आई थी आज शाम को गाजियाबाद के कौशाम्बी डिपो से, व्यवस्था की बात आई है, व्यवस्था कहाँ है? व्यवस्था को लेकर सवाल करेंगे, मेरा एड ऑन सवाल है सर, उसमें एड ऑन सवाल है मेरा, व्यवस्था को लेकर जवाब देंगे राजकरण जी, लेकिन एड ऑन सवाल मेरा ये है कि जो व्यवस्थाएं अब लोगों के लिए करनी होंगी उन पर भी आप जवाब दीजिए कि लोगों के मन में जो डर है और जो लोग जा रहे हैं वो और ज्यादा संक्रमण एक दूसरी जगह पर फैलाएंगे, उनको लेकर क्या कुछ ठोस काम अब होगा और फिर व्यवस्था को लेकर भी आप जवाब दीजिए राजकरण जी। देखिए हम लोग
बोलिए राजकरण जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो राजकरण जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, मुझे लगता है ऑडियो में दिक्कत है, एक बार उसको दूर करते हैं। मैं डॉक्टर दया सागर आपके पास आ रहा हूँ। सर, आगे की व्यवस्था और कैसे मजबूत होगी स्वास्थ्य की, इसको लेकर मेरा सवाल यह है कि अब लोगों में डर का माहौल ज्यादा कोरोना को लेकर है, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं लोगों की मृत्यु ज्यादा हो रही है, और किस उम्र के लोगों को इस बार ये ज्यादा प्रभाव डाल रहा है कोरोना अपना, इसको लेकर आप जवाब दें। और साथ ही लोग अपने घर पर रहकर किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं, और जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, जो लोग अस्पताल में नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक हैं या फिर उनको लक्षण कम है, ज्यादा दिक्कत उनको नहीं है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग घर पर हैं उनके लिए मैं चाहूंगा आप कुछ बातें बताएं, ताकि दर्शक भी सुने और समझें और अपना इलाज घर पर ही कर पाएं अच्छे से। आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे सर कि लोग पैनिक ना हो जी, ठीक है? सरकार जो भी कमी रह गई है, या कहिए कि हम उस चीज को भूल गए थे। दया जी पिछड़े और गरीब परिवार से आते हैं आप भी देखिए आपके समाज के लोगों के हालात क्या है। सुधाकर जी आपकी आप बीच में मत बोलिए प्लीज, ये बड़ी दिक्कत है सर। आप एक बार डॉक्टर साहब को अपनी बात रखने दीजिए, आप अपनी बारी का इंतजार करिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। दया सागर जी अपनी बात रखिए। अभी मैं कल जैसे गांव गया था, गांव में देख रहे थे लोग बाग मान ही नहीं रहे थे कि इस तरह की चीज है, कहीं कोरोना है, इस तरह से वो मान ही नहीं रहे थे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है ग्रामीण क्षेत्र में कि ये माने कि हाँ ये बहुत भयंकर बीमारी है, एक दूसरे को लगाती है। साथ ही मैं आप इसके माध्यम से कहना चाहूंगा कि लोग पैनिक ना हो, अगर उनको जरा सा ही संदेह हो, खांसी बुखार या इस तरह के कोई भी लक्षण, इस बार लक्षण जानते हैं सर, डायरिया भी हो रहा है, इस बार डायरिया भी हो रहा है, पिछली बार डायरिया नहीं था। जी, आपके पास डायरिया तो इस बार डायरिया भी लोगों को हो रहा है, और खांसी बुखार तो हो ही रहा है, साथ साथ कम उम्र के लोग बच्चे भी इस बार ग्रसित हो रहे हैं। लेकिन इस बार पैनिक बहुत है, लोग शहरों में बहुत ज्यादा पैनिक है, और पैनिक से भी बड़ा नुकसान होता है, लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं जो भर्ती कर रहे हैं। सरकारी साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जगह नहीं बची है, जैसा हम लोग को रोज फोन आते हैं कि ऐसा क्या करें, लोग इंजेक्शन रेमडेसिविर के लिए परेशान है, एक और भी अन्य एंटीवायरल ड्रग आती है उसके लिए लोग परेशान है कि साहब वो ड्रग्स मिल जाए, आप किसी तरह से दिलवा दीजिए, बाना मेडिकल कॉलेज में नहीं मिल रहा है, कहीं इधर नहीं मिल रहा, इस तरह से बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। तो लोग पैनिक जरूर है, तो हमारा आपके माध्यम से सभी जानमानस को, मरीजों को ये कहना चाहता हूँ कि वो पैनिक ना हो, अगर वो मॉडरेट और सीवियर है तो निश्चित रूप से भर्ती हो, अगर माइल्ड है तो इस बार सुविधा ये है कि वो होम आइसोलेट आसानी से हो सकते हैं। बस हम घर पे भी उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक दूसरे से कोविड बिहेवियर का पालन करें, अगर कोविड बिहेवियर का वो पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने लोगों को बचा सकेंगे। साथ साथ और भी कई एक दवा है, जैसे विटामिन सी है, नींबू में ज्यादा होती है, फिल्टर सॉल्यूशन ज्यादा होती है, उसका सेवन करें, पानी से ज्यादा लें। अगर उनको डायबिटीज है तो उसका जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इस बीमारी में डायबिटीज ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है ऐसा देखने में आया है। तो डायबिटीज की अगर आदमी दवाई छोड़ देते हैं तो और ज्यादा घातक हो सकता है, ये वायरस और ज्यादा नुकसान कर सकता है। खांसते समय तो है ही है कि अगर खांसी हम एक दूसरे को रोक लेंगे तो निश्चित रूप से दूसरे आदमी को हम बचा सकेंगे। साथ साथ बहुत साधारण सी दवाएं हैं, जैसे जिंक हुआ, विटामिन सी हुआ, और डॉक्सीसाइक्लिन हुई, पैरासिटामोल हुआ, ये ऐसी दवाएं हैं जो कि सार्वजनिक रूप से बता दिया गया है, अगर उनको बुखार है तो दवाई ले सकते हैं। तो बुखार हम काबू में पा लेंगे, साथ साथ खांसी से हम एक दूसरे को फैलाने से बचेंगे, और कोविड बिहेवियर जैसे पहले बताया गया है कि हम एक दूसरे से करीब 3 से 5 फीट दूरी पर रहेंगे तो निश्चित रूप से और बचा सकेंगे। साथ साथ गैदरिंग ना हो, जैसे शादी का माहौल है, जैसे सरकार ने कही रखा, हमारे पब्लिक ने भी समझ रखा है कि वो एक दूसरे से दूर रहेंगे, शादी में ज्यादा भीड़ नहीं लगाएंगे और सोशल गैदरिंग में भी एक दूसरे से दूर रहेंगे। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो निश्चित रूप से मास्क का प्रयोग करें। लेकिन मास्क के बारे में भी एक चीज और हम आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, साधारण गमछा से काम नहीं चलेगा, अगर गमछा वाला मास्क लगाते हैं तो हम उसको ठीक से रोक नहीं पाते।
ठीक है डॉक्टर दया, आप बने रहिए और बाकी सब खास मेहमान मेरे साथ आप बने रहिए। इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, अपने दर्शकों को बड़ी जानकारी से हम रूबरू करवा दें। एक बड़ा फैसला दरअसल वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार का सामने आया है। वैक्सीनेशन पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को अब वैक्सीन लगेगी, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी और इस तरह की लगातार मांग भी की जा रही थी अलग अलग लोगों के माध्यम से। खुले बाजार में अब कोरोना वैक्सीन मिलेगी। डॉक्टर्स के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने यह बड़ा फैसला लिया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रही है। 18 साल से ज्यादा जो लोग अब हैं, जिनकी उम्र है, अब वो भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी अब वैक्सीन लग पाएगी। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी और अब खुले बाजार में कोरोना की वैक्सीन मिलेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर्स के साथ प्रधानमंत्री ने ये अहम बैठक की और इस बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। डॉक्टर मनोज मिश्रा, मेरा सवाल सर इसी बड़ी खबर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस तरह की मांग भी पहले से उठ रही थी कि 18 साल से ऊपर या फिर कोई भी एक उम्र सीमा तय कर दी जाए जिसमें नौजवान आते हों, उनको भी वैक्सीन लगनी चाहिए, क्योंकि ये जो दूसरी वेव है ये नौजवानों को ज़्यादा प्रभावित कर रही है, उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट इसका पड़ रहा है। तो इस खबर को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा ये फैसला क्या, और ये जो कदम केंद्र सरकार की ओर से उठाया गया है कितना सराहनीय है या फिर किस तरह से इस कदम को आप देख रहे हैं? देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है जी। स्वागत योग्य खबर है, बिल्कुल स्वागत किया जाना चाहिए। चीजें यही है कि देखिए, सरकार हो या एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे हो, हम यही उम्मीद करते हैं कि आप चीजों को पहले से भांप सके। अगर आप चीजों को भांप नहीं पाते हैं तो हमेशा इस तरीके के ही आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं जी। जब हमें पता है कि ये एक वेव दो वेव, जबकि हम तो हमारे कंट्री में तो बहुत ही देर बाद ये सेकेंड वेव आई है, जबकि और बहुत सारी कंट्री है थर्ड और फोर्थ वेव चल रही है, तो हमें इसका ही असेसमेंट करना होता है। और यही आपके एडमिनिस्ट्रेशन की खूबी और खासियत होती है कि आप आने वाली समस्याओं को पहले से भांप के उसको तैयारी कर लें। अगर आप हमेशा बीच में लैंड अप होते हैं, कोई चीज शुरू हो जाती है और यह आज फिर आप आधापी का सवाल खड़ा होता है, मुझे बहुत सिंपल बात है कि अगर हम एक जान भी खोते हैं, जबकि ये बीमारी 1.5 साल पहले हमारे देश में आई थी, तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात है कि आप वैक्सीनेशन कर रहे हो, बट फिर से वही, आप कितना, आपका प्लान कितना एक्सट्यूट करेगा और आप कितनी वैक्सीन प्रोवाइड करा पाओगे, कहाँ से लाओगे, किस तरीके से बनाओगे, ये सारी, और इसके भी आप पूरे ओपन मार्केट में खोल रहे हो, कहीं इसकी भी कालाबाजारी चालू ना हो जाए। तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी लाना पड़ेगा, केवल वहां से घोषणा कर देने से कि अब 18 साल के सबको मिलेगी। अभी तक बहुत जगह पे है कि वैक्सीन नहीं लग पा रही थी और बहुत सारे प्रदेश हैं जो कह रहे थे कि वैक्सीन हमें नहीं अवेलेबल हो पा रही है। तो इसको एज एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी लेके आना पड़ेगा, सिर्फ घोषणा कर देने से और कह देने से नहीं मिल जाती है। जैसे कह दिया गया कि साहब ये दवाई है, इसकी दाम सीमित कर दिया गया, लेकिन जब वो दवाई नहीं है तो आप सीमित क्या करोगे? क्या आप उसके लिए रास्ता लगा लो, चाहे उसको जेल में डाल दो? जब दवाई नहीं है तो किसको जेल में आप डाल दोगे? आपके हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, आपके हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है, ठीक है, लोहिया जैसे हॉस्पिटल में लोग बाहर पड़े हुए, इमरजेंसी के बाहर ऑक्सीजन लगा लगा के पड़े हुए हैं, आप उनके लिए क्या कहोगे? ठीक है, ये सारी बातें आप जब आपके सिर में पगड़ी गिरी है तो आप सब बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोग कर रहे हो। ठीक है राजकरण जी, सुधाकर जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपकी इतनी बड़ी टीम है, क्यों नहीं असेस कर पाए आप? कोशिश मत करिए, सारी बातें बहुत अच्छी है, जब आप कहते हो तो बहुत अच्छा लगता है, जब आप प्लान बनाते हो, अपने डाटा बताते हो तो लगता है कि आपसे बढ़िया, आप सब लोगों ने आपसे बढ़िया, आप लोगों ने किसी ने कुछ किया नहीं। लेकिन मेरा एक पक्ष व्यक्ति में, एक डॉक्टर के रूप में, क्योंकि मैं बचा नहीं पा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ लोगों को मरते हुए, अपने सामने मरते हुए दे रहा हूँ, मैं उनको नहीं अवेलेबल करा पा रहा हूँ, ये मेरी पीड़ा है। ये कई पक्ष विपक्ष, मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी भाजपा से, सपा से, पार्टी से, मेरी पीड़ा है कि मैं लोगों को बचा नहीं पा रहा हूँ। अभी आपके डिबेट के बीच में मुझे दो लोगों की खबर हो गई कि एक्सपायर कर गए, तो ये हद से हद बेहद दुखद है। आप सब कुछ बहुत लेट करते हो, आप सब कुछ केवल आप अपने लिए प्लानिंग करते हो, जनता के लिए प्लानिंग नहीं करते हो। मुझे बहुत दुख के साथ, यहाँ पे बहुत तकलीफ के साथ इस बात को मैं कह रहा हूँ कि आप इसको लाइए, अपने कर्मों में लाइए भाई, एडमिनिस्ट्रेशन संभालिए, उसको काम करिए, सिर्फ हवा हवाबाजी करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, 15 दिन से आप कितने हॉस्पिटल आप दे पाए हो कि एक एक आदमी को कम से कम बिस्तर मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, उनका इलाज हो जाए? डॉक्टर्स तक पॉजिटिव हो गए हैं, स्टाफ काम करने वाले, अंदर की बात ये है आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो।
घोषणाएं करते रहिए, देखिए कहां तक कितना साबित होता, कितना सफल होता और क्या चीज होती है। ये पीड़ा है, एज ए डॉक्टर की पीड़ा है, मुझे किसी इसके राजनीति में। ठीक है डॉक्टर दया सागर, इस पर आपका कमेंट सर। 18 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को अब 1 मई से वैक्सीन लगेगी, लेकिन एक सवाल मेरा इसमें यह है कि ये जो खुले बाजार में वैक्सीन मिलने की बात है, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं? देखिए ऐसा है, जैसे अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, इस बात का हमें भी दुख है। हमारे एक साले साहब थे इंदौर में, उनकी डेथ हो गई कल ही, तो बड़ी दुख की बात है कि हम उनको बचा नहीं पाए। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जो मैं आज बात कर रहा हूँ आप लोग सामने की 45 साल के, लेकिन ये ठीक है कि समस्याएं सरकार और आप हम सब लोग मिलकर के पूर्ति उसकी करेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कर लें। और वैक्सीनेशन हम अगर जो स्वागत योग्य कदम है बिल्कुल सबको लगवानी चाहिए, लेकिन जो अभी बात हो रही थी और समस्या है, जैसे रेमसिविर इंजेक्शन है और कई लोगों को जो जमाखोरी वाली बात, ये भी प्रवृत्ति हमारे यहाँ के लोगों में है, तो निश्चित रूप से उस प्रवृत्ति को भी दूर करना पड़ेगा। और ऑक्सीजन से लेकर के दवाइयों की प्रचुर मात्रा उपलब्ध करानी पड़ेगी और लोगों को समझना पड़ेगा कि हमें अपने घर में ही नहीं रख लें, उससे कोई नाजायज फायदा ना उठाए। हमें पब्लिक के लिए जो ज्यादा गंभीर मरीज है उनके लिए उस चीज को बचा के रखना पड़ेगी, तभी हम उस चीज को ठीक कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही हमारा आप सभी आपके माध्यम से अनुरोध है सभी लोगों को कि सभी पक्ष विपक्ष सब लोगों को मिलकर के इस बीमारी से लोगों को समझाना होगा और सबको लड़ना होगा, तभी हम इस बीमारी में काबू पा सकते। ठीक है सुधाकर सिंह जी, सहमत हैं जो फैसला केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है? जी ये तो कदम है। आप हमारी सहमति की बात कर रहे हैं पराग जी, लेकिन देश की जनता जानना चाह रही है कि 1 साल से कोविड के पीरियड में क्या कार्रवाई हुई, कोविड के लिए क्या इन्होंने कदम उठाए, आज देर आए दुरुस्त आए। उसके लिए तो आप सवाल उठा रहे हैं, उसके लिए आप सवाल उठा रहे हैं, मैं सवाल पूछ भी रहा हूँ, लेकिन इस पर आपका जवाब क्या है? मैं बता दे रहा हूँ अभी पराग जी कि आप बताइए कि आज क्या समाजवादी पार्टी भी इस बात से सहमत है कि अब नौजवानों को वैक्सीन लग पाएगी, या फिर आप अभी भी यही कहेंगे कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तभी हम वैक्सीन लगवाएंगे नौजवानों को? मैं आप राजनीति कराना चाह रहे हैं मुझसे? सर मैं राजनीति नहीं करा रहा, जो सवाल आपके नेता ने दिया मैं सिर्फ उस पर जवाब आपसे पूछ रहा हूँ। जवाब की बात बहुत पुरानी हो गई है, फिर तो WHO ने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना पे काबू पाया, बहुत बहुत बधाई। किस बात पर कहा था सर? उस पर तो सवाल पूछा जा रहा है राजकरण जी से। उस पर नहीं, आपने कहा सवाल पूछा डॉक्टर साहब? सर मैं तो शुरुआत से सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने डिबेट की शुरुआत ही इस सवाल के साथ की थी। अरे सर आप मेरे सवालों को सुनिए, आप सुन नहीं रहे हैं, आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, आप सुनिए तो सही। मैं शुरुआत से ये सवाल पूछ रहा हूँ, मेरी डिबेट की शुरुआत ही इस सवाल के साथ थी सुधाकर जी। हाँ बताइए। आप कह रहे हैं मैं सवाल नहीं पूछ रहा, मेरी डिबेट की शुरुआत ही इसी सवाल के साथ थी राजकरण जी से, जो सवाल आपने पूछा व्यवस्था को लेकर मैंने सबसे पहले उनसे पूछा था। अब आप जवाब दीजिए, क्या आप इससे सहमत हैं 18 साल से ऊपर के नौजवानों को वैक्सीन लगेगी, इससे आप सहमत हैं? ये आज खुला है, आज आगाज हुआ है केंद्र सरकार को, आज ज्ञान हुआ है इन लोगों को, अब से 1 साल से पहले ज्ञान नहीं था क्या? 1 साल से पहले कोविड नहीं था, आज ही आया है कोविड। हमें क्या ऐतराज है, हम तो चाहते हैं हर जनमानस को आवश्यकता अनुसार लगाई जाए। ठीक है, जिसकी आवश्यकता है उसको लगनी चाहिए, चाहे 18 का चाहे 15 का है। सर आवश्यकता तो पूरे देश को है, हर एक नागरिक को है, हर एक नागरिक का अधिकार भी है। 1 साल का प्रस्ताव लाएंगे पराग जी, तो आप उसके लिए भी हमसे खुशी का इजहार करवाएंगे? मुद्दा खुशी का इजहार करने का नहीं है, मुद्दा है दुख का, आज दिल पे लगी है, गरीब मर रहा है, वेंटिलेटर पे पड़ा है, उसको दवाई नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, भाई 1 साल से इन्होंने हालत दुखद है। और बात है सहमति की, ठीक है आपने सवाल किया, ठीक है हमारी बात तो आपको बुरी लगी पराग जी, हमारी बात ठीक है आपको बुरी लगी, लेकिन ये डॉक्टर जो बैठे हैं दो MBBS डिग्री और उमर दराज बैठे हैं, तजुर्बेकार बैठे हैं, ये आपके बीच में बारंबार ये कह रहे हैं कि मेरा रिश्तेदार एक्सपायर हो गया, मेरे दो मरीज अभी डिबेट को बैठे हैं, डॉक्टर मिश्रा जी कह रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, देश भी सुन रहा है कि अभी अभी दो एक्सपायर कर गए, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं, बेड की व्यवस्था नहीं, क्या केंद्रीय रक्षा मंत्री को आज सुधबुद हुई है? इतने सम्मानित व्यक्ति है केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह के, उन्होंने उत्तर प्रदेश भी चलाया और उनको इतना बड़ा राजनीति का तजर्बा होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को नजर नहीं आ रहा देश का जनमानस, सिवाय कुर्सी के और चुनाव के। भाई क्यों आप कर रहे हैं इसे? आप लॉकडाउन लगाइए, जनमानस की जरूरत की चीजों की व्यवस्था कराइए, क्यों नहीं हो रही है ये?
ठीक है राजकरण जी जवाब दीजिए, हमारी बात ठीक है, आप ही का जवाब देता हूँ। राजकरण जी जवाब दीजिए सर। जी देखिए मैंने और अगर चिंता नहीं हुई ऊपर वाले इसलिए ये लोग राजनीतिक को पकड़ते अगर सरकार को चिंता नहीं हुई राजकरण जी देखिए हर सरकार को चिंता होनी चाहिए और ये सरकार की जिम्मेदारी है। प्लीज सर एक एक करके अपनी बात रखिए। सुधाकर जी मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा आप एक बार सुन लें दूसरों को उसके बाद आप बोलें प्लीज प्लीज सर प्लीज मैं दोनों को शांत करना चाहूंगा। एक बार मेरा आप सवाल सुनिए मेरा सवाल सुनिए राजकरण जी आप भी चुप रहिए प्लीज सुधाकर जी आप भी राजकरण जी सुधाकर जी आप दोनों प्लीज ठीक है राजकरण जी एक बार मेरा सवाल सुन लीजिए सर सर मेरा सवाल सुन लीजिए राजकरण जी प्लीज ठीक है राजकरण जी देखिए सवाल यही है सरकार हर देखिए जिम्मेदारी सर सरकार की है चिंता भी सरकार को करनी है और हर एक सरकार करती है उसको करनी भी चाहिए लेकिन अब बात यह है कि जो व्यवस्थाएं चल रही हैं ठीक सुधाकर जी प्लीज सर प्लीज एक एक करके बोलिए राजकरण जी सुधाकर जी मुझे आप दोनों की ऑडियो डाउन करना पड़ेगी अगर आप एक एक करके नहीं बोलेंगे प्लीज सर ये मुद्दा बेहद गंभीर है प्लीज मुद्दे की गंभीरता को समझिए और दो डॉक्टर हमारे बीच बैठे हुए हैं कम से कम उनकी बात को तो सुनिए ठीक है राजकरण जी आप सुन रहे हैं मुझे राजकरण जी आप मुझे सुन रहे हैं राजकरण जी आप सुन रहे हैं मुझे ठीक है नहीं नहीं आप नहीं आप दोनों चुप रहिए प्लीज आप दोनों को मैं चुप करना चाहूंगा सुधाकर जी और राजकरण जी का ऑडियो डाउन किया जाए प्लीज प्लीज आप दोनों चुप रहेंगे आप लगातार बोल रहे हैं सर इस डिबेट को डिरेल मत करिए बेहद गंभीर मुद्दा है संवेदनशील है और किस तरह से आप कर रहे हैं सर ठीक है डॉक्टर मनोज मिश्रा स्थितियां बेहद नाजुक हैं हम इस मुद्दे पर राजनीति ना करें तो बेहतर होगा इस बात से आप कितना सहमत हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एक साल पहले हमने इस वेब को देखा कोरोना की लहर को देखा तो क्या ये तब लग रहा था आप मान रहे हैं एक डॉक्टर होने के नाते कि एक बार फिर से कोरोना अपना असर दिखाएगा लौट कर आएगा जैसा बाकी देशों में था और अब जब वो लौट कर आ गया है तो व्यवस्थाएं कहां पर कम रह गई हैं कहां पर कमी रह गई है और किस तरह से अब ये व्यवस्थाएं सुधरेंगी आगे का जो दृश्य है वो आप किस तरह से कोरोना का देख रहे हैं डॉक्टर मनोज देखिए डेफिनेटली राजनीति तो नहीं होनी चाहिए राजनीति ना किया जाए अब तो जो होना था है उसको ये है कि एक साथ सब लोग मिलके सारी पार्टियां मिलके किस तरीके से इस समस्या से जूझा जाए और इससे निकल के बाहर आया जाए ये बेहतर है। दूसरा डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जो चीजें जो हो रही हैं सबसे बड़ी बात है कि जो लोग को माइल्ड है वो किस तरीके से घर पे रहें डॉक्टर साहब ने उसको अच्छी तरीके से समझाया कि आप आइसोलेशन में रह के किस तरीके से क्योंकि अब आपको खुद को जूझना है और हमारे हिंदुस्तान की खासियत यही है कि चाहे वो पिछला भी लॉकडाउन रहा हो और एक साल हमने इस बीमारी से खुद ही जूझा है और हमारी जनता बड़ी जुझारू वो हजारों किलोमीटर चल के भी वो जूझ लेती है और फिर से सारे काम काज वापस आ जाती है तो हम ही जुझारू है और हमें ही अपनी जान बचानी है इसलिए हमें उस जो छोटे छोटे प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करने हैं जी। अच्छा दूसरी बात जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि गांव में आज लोग मानने को तैयार नहीं थे भाई मान लो अब तो मान लो अब आपके आसपास के लोग इतने मर रहे हैं अब तो मान लो कि नहीं कोरोना कुछ है बीमारी है और आपको प्रिकॉशन प्रिवेंशन और बिना घबराहट के इसको फाइट करना है क्योंकि अब तो इस जंग को जीत के बाहर करना है और बाकी सारी पार्टी के लोग हैं अब इस समय बेसिकली उनका काम है कि अपनी जनता के लिए जूझना है। मैं विपक्ष से ये कहूंगा कि भाई आप अपने क्षेत्र में जो लोगों को समस्याएं हो रही है जो लोगों को बेड नहीं मिल रहा है उसके लिए लड़िए अस्पतालों के लिए करिए उनके लिए जूझ जाइए इस बात ये आपके समय है कि आपने हर एक विधायक मंत्री सांसद अपने क्षेत्र के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से समझ ठीक है ये बड़ी बात आपने कही डॉक्टर मनोज लग जाए बिल्कुल देखिए कैसे नहीं समस्या का हल होता ठीक है अब समय समय कम है इसलिए मैं चाहूंगा एक एक फाइनल कमेंट सबका उठ जाए डॉक्टर दया मत डिबेट करें बिल्कुल जूझिए ठीक है डॉक्टर दया एक मेरा आपसे फाइनल कमेंट ये है
कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले ही वेब में कोरोना पॉजिटिव हुए थे, ठीक हो गए, एक बार फिर से पॉजिटिव आ रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे, कितना ज्यादा उनके लिए गंभीर हो सकता है? बहुत जल्दी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो दूसरी लहर में जो पॉजिटिव आ रहे हैं, अगर उन लोगों ने वैक्सीन पीछे ले ली है और एंटीबॉडीज उनकी बन गई, तो उनके जीवन के लिए ज्यादा, अगर वैक्सीन नहीं लिए तो, हाँ अगर वैक्सीन नहीं ली है तो ज्यादा खतरा है, और अगर उनको मॉडरेट सिम्टम्स होते हैं, फीवर हो, तो निश्चित रूप से वो एडमिशन ले किसी हॉस्पिटल में, और सरकार से बिल्कुल से हमारा ये निवेदन है कि उनकी बेड की व्यवस्था कराए, ऑक्सीजन की व्यवस्था कराए, और उनको मरीजों को ये कहना चाहेंगे वो पैनिक ना हो, लेकिन दवाई की व्यवस्था जैसे रेमसिविर वाली है, एक 100% जरूरी नहीं है कि उससे फायदा होगा, लेकिन फायदा होता है और फायदा हुआ है। जब मैं पॉजिटिव हुआ था तो मुझे भी ये लगा था, तभी मैं मुझे काफी हेल्प मिला था, तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसी इंजेक्शनों की जमाखोरी ना हो, सभी पक्ष विपक्ष मिलकर जनता को समझाएं, जैसे अभी मैं बताया था, मैं गांव में गया था, लोग समझ नहीं रहे थे, तो समझाने का काम हमारे दोनों नेताओं का है, हमारे समाजवादी पार्टी और सभी लोगों का है, लेकिन अगर वैक्सीन नहीं ले तो जल्दी से जल्दी वैक्सीन ले लें, और ठीक है सर, तीसरी वैक्सीन भी मिली है स्पूतनिक वाली, उसको भी मार्केट में उतार, चलिए बहुत शुक्रिया सर, ठीक है। राजकरण जी फाइनल, चुनौती बड़ी है, समय कम है। अगर हम लोगों ने इनको अवेयरनेस दे दी तो निश्चित रूप से इसकी चेन टूटेगी, और इसके बाद जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हेल्प करने की बात है, उनको हम अपने क्षेत्र में आस पास के अस्पतालों में जो मरीज जो पेशेंट है जो पॉजिटिव हो गए उनकी कैसे मदद हो, उनको बेड मुहैया हो, ऑक्सीजन मुहैया हो, मेडिसिन उपलब्ध हो, की व्यवस्था हम लोगों को देखते, ठीक है, ना कि कौन कुछ करने की, ठीक है। दादा जी फाइनल, जो प्रवासी से दूर आ रहे हैं उनकी कैसे हम व्यवस्था करें, सुनवे करके उनको, ठीक है, उनको आने पर हम लोग जागरूक करें, अलग अलग सुबह बाहर से आए, ठीक है। सुधाकर जी फाइनल कमेंट आपका, सरकार चाहती है कि विपक्ष मिलकर सहयोग करे, ठीक है, विपक्ष सहयोग करे, लेकिन हम लोग विपक्ष के होने के नाते पूर्व में आदरणीय अखिलेश यादव जी के आदेश अनुसार, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी के आदेश अनुसार प्रवासी मजदूरों से लेकर गरीबों को खाना खिलाने की व्यवस्था और उनके लिए संसाधन की व्यवस्था हमारी पार्टी के लोगों ने करी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो भी हजम नहीं हुआ। हम लोग अगर मदद करेंगे तो धारा 130 COVID-19 का हवाला देते हुए ये लोग हमारे ऊपर मुकदमे लिखाएंगे, 25 मुकदमे मेरे ऊपर है, किस बात के हैं जी, मैंने जनता की मदद करी इस बात के हैं, ये हम समाजवादी लोग हैं, ठीक है समय मुझे ज्यादा दे रहा है, बहुत शुक्रिया सभी का, राजकरण जी आपका बहुत शुक्रिया, सुधाकर जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मनोज आपका बहुत शुक्रिया, और साथ ही डॉक्टर दया सागर आपका बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को कई सारे सुझाव देने के लिए। सत्ता पक्ष को, विपक्ष को आपने सुना, डॉक्टर्स की राय भी आपने सुन ली, इंडिया न्यूज भी आपसे यही अपील करता है कि आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना बेहद ख्याल रखें। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दें इजाजत, नमस्कार।